मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, YouTube चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, जब भी आप PCB को रिपेयर करें, चाहे वो इन्वर्टर की हो, चाहे वो SMPS की हो, या किसी भी चीज़ की PCB हो, तो उसके सर्किट को समझ के अगर आप रिपेयर करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, टाइम सेविंग होती है और आप इजीली उसको रिपेयर कर सकते हैं। आज ऐसे ही हमारे पास एक PCB आई है, हम उसको थ्योरेटिकली और उसके सर्किट को समझ के रिपेयर करेंगे। ये माइक्रोटेक की PCB है, इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर फॉल्ट है। वो फॉल्ट आता बहुत कम है, लेकिन आता है तो परेशान काफ़ी करता है, काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो वेस्ट कर देता है। तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए क्या होगा कि हम उसके सर्किट को समझ लेते हैं जो प्रॉब्लम इसके अंदर है। सर्किट को समझें उससे पहले मैं प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कस्टमर की। ये शायद पहले एक रिपेयर हुआ होगा। ये हमारी टेस्टिंग जिग है जिस पे हम चेक करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। ये इसकी आउटपुट वायर है, ये मैं आउटपुट पे कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी है, मेंस भी कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी जो ड्रेन वायर हैं, जो कि मोस्फेट के ड्रेन पे जाती हैं, ये ड्रेन वायर हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अभी हमारा कनेक्ट हो गया प्रॉपर। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ये ऑन हो गया, आउटपुट भी इसकी आ गई है। ये देखिए स्विच इसका प्रॉपर काम कर रहा है, स्विच में कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट भी आया हुआ है। अभी मैं मेंस कनेक्ट करता हूँ। ये आपका मेंस पे आ गया है और साथ में आपकी ये जो है चार्जिंग भी इसमें आ गई है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर का प्रॉब्लम ये है कि उनके यहाँ पे जो है पावर, जो ग्रिड पावर है वो कम है, 200 से नीचे है, जिसकी वजह से ये हमेशा आपका जो है बैकअप पे चलता रहता है, कभी कभार ही UPS पे जाता है। मैं इसको कम करता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही 180 से नीचे मैंने इसको किया, ये बैकअप मोड में चलना स्टार्ट हो गया, जबकि ऐसी कंडीशन में ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हमने ये UPS का जो सिलेक्शन का जो स्विच है, ये जो कनेक्टर है, अगर हमने इस कनेक्टर को यहाँ से निकाल दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका इन्वर्टर मोड पे रहना चाहिए, न कि UPS मोड पे। इसको अगर हम पीछे से वायर कनेक्ट करके शॉर्ट करेंगे तब ये UPS आपका UPS मोड पे आता है। अगर इस कनेक्टर को निकाल दें तो इन्वर्टर मोड पे ही इसको रहना चाहिए, जबकि ये आपका अभी UPS मोड पे है। तो पहला डाउट तो हमारा ये है कि हो सकता है कि कंट्रोलर में ख़राबी हो। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर चेंज करके देखते हैं अभी यहीं पर कि कंट्रोलर की दिक्कत है या कोई सर्किट में प्रॉब्लम है। मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ से कंट्रोलर निकालता हूँ। कंट्रोलर मैंने निकाल दिया, दूसरा कंट्रोलर मैं लेता हूँ और इस कंट्रोलर को यहाँ पे लगा देता हूँ। दूसरा कंट्रोलर लगा दिया मैंने, बैकअप मोड पे चल गया है, मेंस मोड पे यहाँ पे आ गया है। लेकिन अगर इसको 180 से नीचे करेंगे तो फिर से ये आपका बैकअप मोड में आ गया है। इसके सर्किट को भी हम समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रिलेटेड कहाँ होता है, किससे रिलेटेड होता है। ये जो है इसके अंदर इसकी पिन नंबर 25 होती है। पिन नंबर 25 के ऊपर जो है आपका 5 वोल्ट या तो आता है या 5 वोल्ट नहीं आता है, या तो 5 वोल्ट होता है या तो 0 वोल्ट होता है। और ये 25 नंबर पिन से ही आपका UPS और इन्वर्टर मोड की सिलेक्शन इसमें होती है। अगर 25 नंबर पिन पे 5 वोल्ट आ गया है इस कनेक्टर को लगाने के बाद, तो वो UPS मोड पे रहेगा। और कनेक्टर को निकाल दें या उसको इन्वर्टर मोड पे करें तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिलना चाहिए। हम चेक करते हैं यहाँ पे, दोनों ही मोड में आप इसको चेक कर सकते हो, बैकअप मोड पे भी और आपका चार्जिंग मोड पे भी। दोनों ही मोड में आपका UPS इन्वर्टर का जो सिलेक्शन है वो आप चेक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पावर बैकअप पर चेक करें। नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर दिया है जहाँ बैटरी का नेगेटिव होता है, और मल्टीमीटर को DC पे कर लिया है। और अब इसको हम चेक करते हैं इसकी पिन नंबर 25 पे। पिन नंबर 25 पे या तो 5 वोल्ट होनी चाहिए या 5 वोल्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 12.6 वोल्ट है। अगर बहुत लंबे समय तक अगर ये 12 वोल्ट रहेगी तो हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो। अगर डायरेक्ट 12 वोल्ट मिल जाए तो, अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है तो हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर बच जाए। लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट आ गई है। अगर 5 वोल्ट भी होती तो हमेशा UPS मोड पर ही चलता है, यहाँ तो 12 वोल्ट इसको मिली हुई है। अब मैं इसके सर्किट को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ और उसके बाद चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या प्रॉब्लम हम चेक करें। तो दोस्तों, सर्किट बिल्कुल छोटा सा है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये आपका मान लेते हैं 2 पिन का कनेक्टर है, ये 2 पिनें हैं इसकी। 2 पिन के कनेक्टर के अंदर 1 पिन के ऊपर जो है आपका सर्किट से ही +5 वोल्ट मिलती है,
दूसरी पिन के ऊपर छोटा सा सर्किट लगा होता है जो कि एक रेजिस्टेंस डिवाइडर का काम करता है। दो रेजिस्टेंस इसके अंदर लगी होती हैं और दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो आपकी नेगेटिव होती है, यानी कि ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। ये रेजिस्टेंस है ये आपकी 2.2K की है और ये आपकी 1K की रेजिस्टेंस है क्वार्टर वाट में। इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में जो कि डिवाइडर का पॉइंट है वो आपका पिन नंबर 25 पे जाता है, माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 25 पे। ये छोटा सा सर्किट है तो, और यहाँ पे जो कनेक्टर होता है वहाँ पे हमारी दो वायर लग के इन्वर्टर के पीछे वाले बैक साइड पे पैनल पे एक स्लाइडिंग स्विच लगता है जिससे हम ऊपर नीचे करके ऑन ऑफ करते हैं। तो ये हमारा वायर लग के जो है आपका स्विच जो है ये लग गया है, मैं इसको स्विच मान लेता हूँ, ये स्विच है। तो अभी ये काम कैसे करता है कि जब हमारा स्विच ओपन होता है, यानी कि जब ये स्विच जो है इन्वर्टर मोड पे है तो ये स्विच ओपन होता है, उस केस में ये ग्राउंड जो है आपका पिन नंबर 25 पे मिलता है, यानी कि जीरो वैल्यू मिलेगी पिन नंबर 25 पे। ये ग्राउंड है 1K के रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड मिल जाएगा पिन नंबर 25 पे, उस टाइम पे जीरो वोल्टेज आपको मिलेगी, इसका मतलब वो इन्वर्टर मोड पे है। लेकिन जैसे ही हम इसको UPS मोड पे करते हैं तो उस केस में ये स्विच हमारा ऑन हो जाता है, और जैसे ही स्विच ऑन होगा तो ये जो 5 वोल्ट है ये हमारी स्विच के थ्रू घूम के हमारी इसको यहाँ इस पॉइंट पे मिल जाएगी। क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस लगी हैं तो ये डिवाइडर का काम करेगा, तो 5 वोल्ट से कम वोल्टेज आपको यहाँ पे पिन नंबर 25 पे मिल जाएगी। जैसे ही पिन नंबर 25 पे मिलेगी तो वो UPS मोड उसको सेंस करेगा और वो आपका 260 और 180 के बीच में ही आपका रेंज को रखेगा। और जैसे ही स्विच को हम ओपन कर देते हैं यानी कि इन्वर्टर मोड पे कर देते हैं या कनेक्टर को निकाल देते हैं तो ये 5 वोल्ट आपकी यहाँ नहीं मिल पाती है, उस केस में ये ग्राउंड आपका जो है पिन नंबर 25 पे पहुँच जाएगा। अभी हमारा क्या है कि पिन नंबर 25 पे 12 वोल्ट पहुँच रही है, हमने कनेक्टर यहाँ पे निकाला हुआ है जिस टाइम हम टेस्टिंग कर रहे थे। तो कनेक्टर निकालने के बाद एक केस तो हमारा ख़त्म हो गया कि 12 वोल्ट यहाँ से मिल सकती है क्योंकि कनेक्टर ओपन है यहाँ से, तो ये 5 वोल्ट या 12 वोल्ट तो यहाँ नहीं मिल सकती। अब दो ही केस बचते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट 12 वोल्ट भी सेंटर में नहीं मिली है क्योंकि अगर सेंटर में 12 वोल्ट होती तो माइक्रो खराब हो जाती, यानी कि यहाँ पे भी 12 वोल्ट नहीं है। अब या तो 12 वोल्ट यहाँ से मिली है या फिर 12 वोल्ट यहाँ से मिली है। यहाँ से भी 12 वोल्ट मिलने के चांस कम है क्योंकि अगर यहाँ 12 वोल्ट मिलेगी तो ये सीधा ग्राउंड हो जाएगा और सीधा ग्राउंड होने के केस में आपका जो है वो आपका हीट हो जाएगा रेगुलेटर वगैरह। 1% चांस यहाँ भी हो सकते हैं, वो इसलिए कि अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ 12 वोल्ट मिल जाए तो पॉसिबल है कि इसको 12 वोल्ट पहुंच जाए। तो यानी कि ये केस और ये केस आपका ज़्यादा चांसेस हैं आपके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 12 वोल्ट अगर ग्राउंड से कनेक्ट भी हो जाएगी तो वो जीरो हो जाएगी। या तो यहाँ पे कनेक्ट है हमारी 12 वोल्ट या यहाँ कनेक्ट है रेजिस्टेंस के थ्रू है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने ऑन कर दिया और आपका नेगेटिव में पीछे कनेक्ट कर देता हूँ जहाँ हम नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये दो पिने हैं, एक पिन पे 5 वोल्ट होनी चाहिए, ये एक पिन पे 5 वोल्ट है यानी कि 5 वोल्ट वाला हिस्सा ठीक है। दूसरी पिन पे ग्राउंड होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 12.4 वोल्ट आ रही है। तो अब ये 12.4 वोल्ट कहाँ से आई उसको समझते हैं। मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे कर देता हूँ और पीछे से बैटरी वगैरह मैंने बंद कर दिए हैं। अब ये जो 12 वोल्ट वाला हिस्सा है वो जाएगा आपकी 2K2 रेजिस्टेंस पे जो कि इसकी है R86 लोकेशन है। ये देखिए कंटिन्यूटी आ गई है और R86 जो है उसका दूसरा हिस्सा गया है R85 पे जो कि बजर के पास है। तो R86 है वो 2.2K है और R85 है जो 1K है। R85 का जो दूसरा हिस्सा है वो ग्राउंड है जो कि बैटरी पे जाता है हमारा, ये ग्राउंड है। कंटिन्यूटी आ गई है, बैटरी मैंने बंद की है, सिर्फ कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हम। तो सर्किट ये है कि R86 जो है आपका 2K2 है, R85 जो है 1K है, वो ग्राउंड हो गया है और इसके बीच का जो हिस्सा है R85 का और R86 का वो 25 नंबर पे गया है, यानी कि सर्किट हमारा कन्फर्म है। और अभी ये 12 वोल्ट कहाँ से आई है उसका पता करने के लिए हम इसको PCB को निकाल लेते हैं और बैक साइड से इसको देखेंगे कि ये 12 वोल्ट आपकी कहाँ से आ सकती है। निकाल ली है और इसको यहाँ पे चेक करते हैं। मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे कर लिया है। ये जो आपका 2 पिन कनेक्टर है वो आपका गया है आपका 86 पे, वो गया यहाँ से, ये देखिए ये आपका 86 पे गया। 86 का दूसरा हिस्सा है वो आपका 85 पे गया है 1K पे। तो इसमें अब क्या पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ दो रेजिस्टेंस जो होती हैं
उन रेजिस्टेंस का ही कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी बन गई है 12 वोल्ट से उसके नज़दीक से क्रॉस करते हुए किसी सर्किट पे, क्योंकि हमने माइक्रो वगैरह चेक कर ली है, वोल्टेज भी कंफर्म कर दिया 12 वोल्ट आ गया है, 5 वोल्ट वाला हिस्सा ठीक था। तो अभी इन दो रेजिस्टेंस को ध्यान से देखें तो इस रेजिस्टेंस 85 का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल क्लियर है, वो कहीं टच नहीं है। फिर भी आप क्या करें उसको थोड़ा सा उसके आसपास कंटिन्यूटी चेक करके देख लें कि कहीं कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है ये। अब उसके नीचे 86 का जो दूसरा हिस्सा है उसको उसके नज़दीक वाले रेजिस्टेंस या ट्रैक के पास से कंटिन्यूटी चेक करें। ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा क्लियरिटी से दिखाऊं, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 86 जो है 2.2 के, उसके पाथ में एक वाया है जो कि पीसीबी के एक हिस्से एक वाली लेयर से दूसरी लेयर पर जाता है, उसको वाया बोलते हैं। उस वाया के पास इसकी जो लीड है वो टच हो गई है। इसके अंदर लीड थोड़ी लंबी होती हैं, ये देखिए लीडें जो हैं रेजिस्टेंस की ये लंबी होती हैं और ये मुड़ी होती हैं, ट्रैक के ऊपर से भी कई बार मुड़ी होती हैं। और इस पीसीबी को अगर हम 2 या 4 बार ज़ोर से रखते हैं कई बार सर्किट में कहीं भी, अगर टेबल पे या कहीं भी, तो कई बार वो ज़ोर से रखी जाए तो वो जो लीड है वो टच होके दूसरे वाले पॉइंट पर टच होने की संभावना रहती है, चाहे वो रिपेयरिंग में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो या कहीं भी हो। तो ये केस देखिए यहाँ पर आपका, मैं ध्यान से दिखाऊँ तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है इस वाया से टच हो गया है। सिर्फ मैं क्या करूँगा, इस वाया को यहाँ से पास से जो लीड का जो हिस्सा है रेजिस्टेंस का, ये मैंने काट दिया यहाँ पे। अब मैं इसको दोबारा से चेक करूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है इन चीज़ों को ट्रेस करके समझ के फिर रिपेयर करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। अब देखिए, अब कोई कंटिन्यूटी इसके अंदर नहीं आ रही है, इसका मतलब शायद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसको लगाता हूँ मैं और लगा के आपको चेक करके दिखाता हूँ। कनेक्ट कर दिया है, अभी बैटरी मैंने ऑन किया, आउटपुट आ गई, पहले भी आती थी अपनी। नेगेटिव को मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ जहाँ हमारा बैटरी का होता है नेगेटिव। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे, एक तरफ जो है मल्टीमीटर को डीसी पे कर लें आप, एक तरफ ये 5 वोल्ट आ रही है, दूसरी तरफ 12 थी, वो 12 यहाँ पे अब जो है ख़त्म हो गई है, 0.6 या उससे नीचे गई है, मिली वोल्ट्स के अंदर है ये। अभी हम चेक करेंगे पिन नंबर इसकी 25 पे, पिन नंबर 25 पे भी जो है आपका 0.7 या उससे कम ही है, यानी कि ये जो आपका शॉर्ट सर्किट था जो 12 वोल्ट पहुंच गई थी वो ख़त्म हो गया अब यहाँ पे। अब इसमें मेंस भी कनेक्ट करके देख लेते हैं हम। मेंस मैंने कनेक्ट कर दिया और ये आपका चार्जिंग पे आ गई है, पहले जो है 180 पे कट कर रहा था, अभी देखते हैं इसको, अब ये 180 पे कट नहीं कर रहा है, अब ये ठीक हो गया है, अब ये 100 से नीचे जाके कट करेगा देखिए, क्योंकि नीडल के अंदर थोड़ी वेरिएशन है। अब ये जो है बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।